नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 4.5 साल पूरे होने के बाद राज्य मंत्री श्रमिक सेवा योजना मनोहर लाल ने बलरामपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष रखा, साथ ही सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में जिले के सभी विधायक और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान राज्य मंत्री मनोहर लाल ने छात्रों को साइकिल और दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी वितरित की। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4.5 वर्षों का योजनाओं का जो लाभ दिया गया है, उसमें सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे गरीब किसानों को ऋण प्राप्त करवाया और जो भी 1 लाख तक का ऋण था। बुलंदशहर के बोर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वही विवाहिता की हत्या का आरोप विवाहिता के पति पर ही लगा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पति की 2 पत्नियां हैं, जिसके चलते मृतका के उसके पति ने लगातार खटपट होती थी, अनबन चल रही थी। घटना से 2 दिन पहले भी आरोपी पति ने मायके में ही मृतका की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो भी मृतका की छोटी बहन ने बना लिया था, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं पत्नी की हत्या कर आरोपी पति घर का ताला लगाकर मौके से फरार है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पति की तलाश में जुट गई है। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र के बुड़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में लगातार आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। ताजा मामला सामने आया जहाँ पर एक पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनों से अनबन चल रही थी और पति लगातार अपनी पत्नी की पिटाई किया करता था, जिसका उसकी छोटी बहन ने एक वीडियो भी बना लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई जब आरोपी पति ने ही अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी है और कुछ लोगों का कहना है कि गला दबाकर हत्या की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है, क्योंकि गले पर धारदार हथियार जैसे कोई निशान नहीं है। तो बुलंदशहर का एक पूरा मामला जहां पर अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई है, इसकी जानकारी मिल रही है और आरोप उसी के पति पर लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति मौके से फरार है, घर का ताला लगाकर उसकी छोटी बहन ने मारपिटाई का ये वीडियो बनाया। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब भी आरोपी पति गिरफ्तार नहीं हो पाया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी लोकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? लोकेश, मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। लोकेश, ये पूरा मामला किस तरह से है? आरोपी पति अब भी फरार है, कब तक पुलिस ढूंढ निकालेगी उसे? जी देखिए, पुलिस बिल्कुल अभी जो है वो प्रयासरत है उस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। मैं आपको बता दूं, पूरा मामला बुलंदशहर क्षेत्र कोतवाली का है, जहां पर ये जो विवाहिता है ये लगातार विरोध कर रही थी। ये पहले पता नहीं था इसको कि उसके पति की पहली एक और भी शादी हो चुकी है। जैसे ही उसको पता चला तो उसने इसका विरोध किया, जिसके बाद पति ने लगातार उसको प्रताड़ित किया और उसकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो उसको लगातार पीट रहा है और वो लगातार बचाने की जो गुजारिश है वो लगा रही है। जी बिल्कुल लोकेश, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो क्या इस वीडियो पर कोई संज्ञान लिया गया था? अगर ऐसा होता तो शायद विवाहिता की जान बच सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जिस दिन का वीडियो है उसके अगले दिन ही सुबह को जो ये घटना है वो उसका पता चला कि उसकी हत्या हो गई। एक दिन पहले ही बताया जा रहा है कि उसकी बहन के द्वारा ये वीडियो बनाई गई थी। अगर इस वीडियो का पहले संज्ञान लिया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। हालांकि अब पुलिस जो है वो आरोपी को पकड़ने में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए लोकेश। तो बुलंदशहर का ये पूरा मामला जहां पर पत्नी को ये पता चल गया था कि उसके पति की एक और
बीवी है, तो इससे नाराज होकर दोनों के बीच खटपट हो रही थी, लेकिन ये नहीं पता था कि मामला इतना ज्यादा गंभीर हो जाएगा कि पति पत्नी की हत्या कर देगा और मौके से फरार हो जाएगा। मारपिटाई लगातार चल रही थी, वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिस वजह से अब हद हो गई कि विवाहिता की जान चली गई। हाल ही में जापान में हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी विजेता टीम के खिलाड़ी पीयूष दुबे मथुरा पहुंचे, जहां मथुरा वासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ब्राह्मण समाज के लोगों ने पीयूष दुबे को भगवान राधा कृष्ण की तस्वीरें, दुपट्टा और भगवान श्री कृष्ण का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान हॉकी खिलाड़ी पीयूष दुबे ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मथुरा भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, यहाँ आकर मुझे जिस तरह से सभी का प्यार मिला है वो मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, क्योंकि मेरा पैतृक गाँव भी मथुरा के पास सादाबाद है। बता दें कि जापान में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था। तो मेरी पैतृक नगरी रही है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, तो यहाँ आना तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ जनमानस का जो प्रेम है वो अभूतपूर्व है और मैं बहुत आह्लादित हूँ उस प्रेम से। और यही कहना चाहूँगा कि जितने युवा हैं यहाँ के और संपूर्ण देश के, जब भी हम कोई विजय प्राप्त करते हैं तो उससे कुछ ना कुछ सीख हुए मिलती है। और जो सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि किसी भी सफलता के पीछे बहुत बड़ा त्याग होता है और बहुत बड़ा परिश्रम होता है। इनका नाम पीयूष दुबे है, इनके ही सानिध्य में इंडियन हॉकी टीम ने ओलंपिक में टोक्यो में 44 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता था और नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी के द्वारा ये सम्मानित किए गए हैं। और ये युवाओं में जोश बढ़ने के लिए इन्हीं के द्वारा ही, क्या कहते हैं, इनके मार्गदर्शन में ही ओलंपिक में भारत ने, हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये मथुरा आए हैं, मथुरा आए हुए हैं, हम इनका सम्मान कर रहे हैं। ये यहाँ पे रसमई सादाबाद के रहने वाले हैं, पैतृक गांव इनका वो है, वैसे इलाहाबाद में इस निवास कर रहे हैं फिलहाल में। यहाँ पे आए हैं, हम इनका स्वागत कर रहे हैं, हमको बहुत गर्व महसूस हो रहा है इनका स्वागत करते हुए। वहीं बिजनौर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बेटे ने अपने ही बुजुर्ग पिता की चाकू से गोद कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक हाशिम ने अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने पिता यूसुफ से पैसे की मांग की थी, जिस पर पिता की तरफ से इनकार कर दिया गया। वहीं पिता के इनकार करने से आक्रोशित हाशिम ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। मामले में मौके पर पहुंची पुलिस ने पिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है। जिले के नजीबाबाद के जाफतगंज इलाके का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। बिजनौर में भी लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, एक के बाद एक हत्या, लूट, डकैती जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला सामने आया जहां पर पैसे देने से इनकार करने पर पिता की एक बेटे ने निर्मम तरीके से हत्या कर दी। जानकारी मिली है कि आरोपी अपने बच्चे के इलाज के लिए अपने पिता से पैसे मांगने के लिए गया था, लेकिन पिता ने मना कर दिया, जिससे गुस्से में आकर बेटे ने अपने ही पिता की चाकू से गोद कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को अपने कब्जे में लिया है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी बेटे की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जाफरागंज में बेटे ने अपने बाप की चाकू मार के मारा है, वो उसकी मृत्यु हो गई है और पंचानाम भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और जो अभियुक्त है वो भागा हुआ, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास की जा रहे हैं। अच्छा, कुछ मामला है सर, किस वजह से, क्या वजह, घर वालों क्या मान रही है पुलिस अभी? घर वालों ने ये संज्ञान में लाया है कि छोटी बहन या मृतक की छोटी बेटी बीमार थी, उसके संबंध में बेटे से पैसा मांगा था, इसलिए दोनों में कहासुनी हुई, कहासुनी बेटे ने चाकू मारा। अमेठी में गोमती नदी का पानी खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं नदी के उफान पर पहुंचने से किसानों की हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। इसके साथ ही गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से अब लोगों के घरों तक पानी पहुंचना शुरू हो गया। वहीं गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके साथ ही नदी के तराई क्षेत्रों में भी जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों लगातार बारिश की वजह से
नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अगर बात की जाए गोमती नदी की तो इसका भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। ऐसे में हजारों किसानों की जो फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। लोगों के जो आशियाने हैं वो आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घरों में राशन भी खत्म हो गया है। हालांकि योगी सरकार द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि जहां जहां ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं वहां पर राहत सामग्री पहुंचाई जाए, राशन पहुंचाया जाए, लेकिन सवाल ये है कि अब भी कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर ऐसी चीज़ें उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, गोमती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जो निचले स्तर पर हैं, वहां पर पानी इकट्ठा हो रखा है। ऐसे में कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं, साथ ही साथ फसल बर्बाद हो रही है। आने वाले समय में किसान जो है वो 2 जून की रोटी के लिए भी तड़पते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसी भयावह तस्वीरें अमेठी से सामने आ रही है। वहीं सीतापुर में किसानों की महापंचायत के मद्देनजर सीतापुर पहुंची आईजी लक्ष्मी सिंह ने किसान महापंचायत मंच का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि किसानों की महापंचायत को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जहां जिले के सभी चौराहे के चौपे चौपे पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी ना रहे। वहीं किसान महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए भारी संख्या में किसान सीतापुर पहुंचना शुरू हो गए हैं। आरएमपी इंटर कॉलेज मैदान में किसान नेता राकेश टिकैत की जनसभा में हजारों किसानों के आने का अंदेशा लगा रहे हैं, जिसके चलते पीएसी के जवान भी तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरी तरह से तैयारियां सीतापुर में कर ली गई हैं। सीतापुर में जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आप बता दें कि इससे पहले भी महापंचायत हो चुकी है मुजफ्फरनगर में, जिसमें लाखों की संख्या में किसान मौजूद था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है किसानों द्वारा कि इस महापंचायत में भी हजारों की संख्या या लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा हो सकते हैं। इसके मद्देनजर कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई उत्पात ना हो, इसी वजह से चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आईजी लक्ष्मी वहां पर मौजूद और सभी पुलिस कर्मियों को, सहकर्मियों को समझाती हुई, अधिकारियों को समझाती हुई कि कैसे किस तरह से तमाम तैयारियां करनी है, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके, किसी को कोई भी नुकसान ना पहुंच सके। सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आईजी ने किसान महापंचायत मंच का निरीक्षण किया है, हालातों का जायजा लिया। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी शिवराज मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीतापुर से। शिवराज, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? महापंचायत होने जा रही है, आईजी लक्ष्मी वहां पहुंची हैं, निरीक्षण किया है कि क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भीड़ को देखते हुए आईजी लक्ष्मी सिंह सीतापुर पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी देखे, और काफी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी किए गए थे और काफी संख्या में भीड़ भी मौजूद थी। और टीका जी यहाँ पे आए और उन्होंने जो भी किसान थे और उनको संबोधित किया, उसके बाद में यहाँ से रवाना हुए। बिल्कुल, अगर देखा जाए शिवराज, तो महापंचायत को लेकर किसानों द्वारा ये अंदेशा लगाया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि लाखों की संख्या में मुजफ्फरनगर की तर्ज पर यहाँ भी जो किसान है वो इकट्ठा होंगे। तो मुजफ्फरनगर में शांतिपूर्वक महापंचायत हो गई, लेकिन आगे क्या रणनीति है किसानों की, ये तय नहीं हो पाई थी। क्या सीतापुर में तय हो सकती है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि बिल्कुल शांति पूर्वक यहाँ पे जो भी जो रैली हुई है, महापंचायत हुई है, और उसके बाद में टीका जी ने ये भी कहा है कि मैं यहाँ तक नहीं बैठूंगा कि लखनऊ में भी महापंचायत करूंगा और आंदोलन मेरा जारी रहेगा। बिल्कुल शिवराज, और आगे कितनी जो तैयारियां हैं वो किस स्तर पर है? क्योंकि देखिए, एक तरफ तो किसान पूरी तरह से आगमन के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन कितना चुस्त और दुरुस्त है? क्योंकि हमने देखा था कि 26 जनवरी दिल्ली में किस तरह से जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी किसानों द्वारा, तो कुछ उपद्रवियों ने हंगामा किया था, बवाल हुआ था बहुत ज्यादा। जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे और टीका जी की रैली में जो भी महापंचायत में जो भी लोग आए थे, शांतिपूर्वक यहाँ पे वहाँ पे पहुंचे लोग, और उनका ये भी कहना है कि यहाँ अब अगली पंचायत लखनऊ में होगी और इसके बाद में हर जो भी जनपद है सभी जनपदों में महापंचायत करेंगे और जनता से रूबरू होंगे।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए शिवराज। तो सीतापुर का ये पूरा मामला है जहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। दरअसल किसान महापंचायत मंच का यहां निरीक्षण किया गया है आईजी लक्ष्मी द्वारा। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने किसान यहां पहुंच सकते हैं और किस तरह की अप्रिय घटना की आशंकाएं हैं उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ देखी जा सकती हैं। वहीं श्रावस्ती में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां गिलौला बाजार में पेट्रोल पंप के सामने एक बाइक सवार को पिकअप चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार, दो बच्चों समेत चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मामले में मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने हादसे में घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही स्थानीय लोगों ने पिकअप चालक की जमकर पिटाई भी कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप चालक को हिरासत में ले लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो श्रावस्ती में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर बाइक पर सवार युवक और बच्चे को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें चार लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें दो बच्चे हैं। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, पिकअप चालक की जमकर यहां पर पिटाई कर दी गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है। इसके अलावा पुलिस भी मौके पर पहुंची है, सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मथुरा के बरसाना क्षेत्र में स्थित लाली जी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर उस समय हड़कंप मच गया, जब पेट्रोल डालने में कुछ देरी होने पर दबंगों ने पेट्रोल पंप पर जमकर उत्पात मचाया और लाठी डंडों से पेट्रोल पंप कर्मचारियों की पिटाई कर दी। वहीं घटना को अंजाम देकर दबंग मौके से फरार हो गए। पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप की, सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है। दबंग मौके पर पहुंचे थे पेट्रोल डलवाने के लिए, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मियों द्वारा कुछ देरी हो गई, जिससे बौखलाए दबंगों ने वहां पर उत्पात मचा दिया। लाठी डंडों से लैस होकर उन्होंने यहां पर जमकर पेट्रोल कर्मियों की पिटाई की है, तोड़फोड़ की और फिर आसानी से मौके से फरार हो जाते हैं। तो पेट्रोल पंप के जो कर्मचारी हैं उन्होंने शिकायत की है, जिसके आधार पर ये सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। उसने नॉर्जल उठा के मैं गया हूँ, मशीन के पास गया हूँ, उसने नॉर्जल डालने लग गया थे लोग। वो टेम्पो वाले बोला मेरे को पहले, मेरी गाड़ी में क्यों नहीं पहले डाला, वो गाली देने लग गया मेरे को। इतने मेरे को 8-10 आदमी थे टेम्पो में, मेरे को मारने लग गए और मेरे 2.5 लाख रुपए बैग में थे उनको ले गए। 8-10 लोग थे। हाँ सूचना दी जी, हाँ मौके पर आई जी। पंप पर बदमाशों का आतंक देखने के लिए मिला है। बुलंदशहर के खुर्जा से एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक देवर ने अपनी ही भाभी पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसे मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी देवर का अपनी भाभी से किसी बात पर विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपी देवर ने अपनी भाभी पर जानलेवा हमला कर दिया। वहीं जानकारी के मुताबिक आरोपी युवक का पत्नी के छोड़ जाने के बाद से मानसिक तनाव का शिकार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के कुम्हारों वाली गली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बुलंदशहर का ये पूरा मामला, जहां पर मामूली विवाद में भाभी पर एक देवर ने जानलेवा हमला किया है और मौके से फरार है। बलरामपुर में वैसे तो पुलिस अवैध खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाए जाने के दावे करती है, पर जिले के तुलसीपुर में स्थानीय नालों में लगातार अवैध खनन होता देखा जा रहा है, जहां रात होते ही बेखौफ खनन माफिया अवैध खनन का काला खेल शुरू कर देते हैं। ये माफिया ट्रैक्टर ट्रॉलियों की मदद से रामलीला पोखर के पास बोरियों में बालू भरकर डंप कर देते हैं और फिर उसे बिक्री के लिए भेज देते हैं। वहीं जो मामले में खनन अधिकारी से फोन पर बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उनका यही कहना है कि खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है और खनन माफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर अधिकारियों और पुलिस की बात सही है, तो फिर क्षेत्र में अवैध खनन का कारोबार कैसे चल रहा है, जबकि सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता है कि इस मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका भी संदेह है। तो बलरामपुर का एक पूरा मामला, जहां पर पुलिस ये कहती है कि खनन
पर पूरी तरह से, जो अवैध खनन चल रहा है उस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खनन माफियाओं में हड़कंप है पुलिस का, लेकिन हकीकत जो है वो इन तस्वीरों में कैद हो गई है। नालों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है रात के अंधेरे में, और बालू से जो बोरे हैं वो भरकर ट्रक में लाद कर ले जाए जाते हैं। पुलिस की साठगांठ भी साफ तौर पर दिखाई देती है, लेकिन कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। महाराजगंज के नौतनवा में ट्रक चालकों ने एक युवक को मोबाइल चोरी के आरोप में रस्सी से बांधकर जमकर पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ट्रक चालकों का आरोप है कि युवक खड़ी ट्रकों से मोबाइल चोरी करता था, जिसके चलते शक के आधार पर ट्रक चालकों ने युवक को पकड़कर ट्रक में बांधकर उसकी पिटाई की है। वहीं जैसे ही पुलिस को मामले की सूचना हुई, आनंद फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छुड़ाया और मामले में युवक को पीटने वाले ट्रक चालकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, नौतनवा थाने का दो दिन पहले का मामला है। इसमें एक लड़का मोबाइल चोरी करते हुए ट्रक ड्राइवरों का पकड़ा गया था। उसमें ट्रक ड्राइवरों ने उसको बांध के मारने आदि का वीडियो आया है। लड़के के खिलाफ भी चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया है, और जिन ट्रक ड्राइवरों ने उसको मारा है उनके खिलाफ भी अभियोग पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड वैक्सीनेशन अभियान के बीच मेरठ से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग को 5 बार वैक्सीन लगाए जाने का मामला सामने आया है। और तो और, छठा टीका लगाए जाने की तारीख भी आ गई है। इसके साथ ही बुजुर्ग के पास टीका लगाने के 3 प्रमाण पत्र भी मौजूद हैं। पूरा मामला मेरठ के सरधना का है, जहां एक 73 वर्षीय बुजुर्ग चौधरी रामपाल सिंह को 5 बार वैक्सीन लगाई गई है। वहीं मामले में रामपाल अपनी शिकायत लेकर स्वास्थ्य विभाग ऑफिस पहुंचे और वैक्सीन लगाए जाने संबंधी कागजात देने की मांग की, पर वो चक्कर लगाते रहे, पर कोई जानकारी उनके हाथ नहीं लगी है। वहीं जब उन्होंने सरकारी वेबसाइट पर चेक किया तो उनके 3 सर्टिफिकेट सामने आए। पहले 2 सर्टिफिकेट में उनकी 2 डोज लगी है और तीसरे सर्टिफिकेट में 1 डोज लगी है, जबकि 6ठी डोज की तारीख दिसंबर 2021 की दे दी गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेरठ के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद विजयपाल तोमर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश के 4.5 सालों के काम का बखान किया है। उन्होंने 4.5 सालों में सरकार द्वारा किए गए कामों को जनता के सामने पेश किया। वहीं जब उनसे महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने खुद माना कि महंगाई बढ़ी है और रोजगार में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये समस्या जल्द ही दूर कर दी जाएगी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं और अब चुनाव सर पर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार अपनी तमाम उपलब्धियों को गिना रही है। सब जगह जाकर के जो प्रतिनिधि हैं वो तमाम चीजें गिना रहे हैं, लेकिन इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राहें ज्यादा आसान नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो चुका है। इसके अलावा जो किसान आंदोलन है वो चल रहा है। ऐसे में मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते कि आखिर किस तरीके से और किस प्लान के साथ आगे चलेंगे, क्योंकि चुनाव सर पर आ चुका है। सर, सबसे पहले न्यूज़ रोड में आपका स्वागत है। सर, आपने तमाम योजनाएं गिनाई, उपलब्धियां गिनाई, और मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जनता संतुष्ट भी है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठजोड़ हो चुका है, और कहीं ना कहीं इसमें जो संजीवनी है वो किसानों का आंदोलन है। सबसे पहले सर, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, जहां तक गठजोड़ का सवाल है, हमारी पार्टी विश्वास ये करती है कि हम हर बूथ पर 50% से अधिक वोट लें, सब भी मिल जाए तब भी हम जीतें, और इसी को लक्ष्य रख के 17 का चुनाव लड़े। तो आपको मालूम होगा 60 भी MLA उससे पहले हमारे पास नहीं थे और हम 300 पार कर गए। तो पार्टी का तो यह है, पहले भी सब पार्टी मिलकर लड़ रही है, संयुक्त मोर्चा बना के सब मिलकर लड़े थे, अब भी मिल जाए तो कोई पार्टी को दिक्कत नहीं है, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। पहले मोदी जी के काम का था,
अब उसमें योगी जी का काम और जुड़ गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पहले से भी अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। सर लेकिन इस वक्त अगर जनता की बात की जाए तो जनता के अंदर महंगाई को लेकर बहुत रोष है, तमाम प्रदर्शन हो रही है, डीजल पेट्रोल गैस और खाने का सरसों का तेल तमाम चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि आम जनता के बजट से बाहर हैं। तो ऐसे में सर इस चीज से कैसे निपटा जाएगा? देखिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब महंगाई बढ़ती है तो यहाँ भी बढ़ती है, यहाँ भी बढ़ी है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन उस पर भी सरकार काम करने का काम कर रही है। अभी बैठक थी, यदि राज्य तैयार होते जीएसटी में आने के लिए तो उसको जीएसटी में लाया जाता, लेकिन कुछ राज्यों ने सहमति नहीं दी है। लेकिन इसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहाँ सबसे कम वैट लगा रखा है और राज्यों का ज़्यादा वैट है, तो यहाँ का डीजल वगैरह कम है और जगह के मुकाबले, और मुझे आशा है कि जल्दी इस पर ये महंगाई भी नियंत्रित होगी। सर महंगाई नियंत्रित होगी लेकिन चुनाव सर पर है, ऐसे में आपकी क्या अगली रणनीति रहेगी और क्या मैनिफेस्टो में रहेगा? क्योंकि पहले से अगर देखा जाए आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की थी, अब की बार भ्रष्टाचार खत्म होगा, गुंडाराज खत्म होगा, सरकार भाजपा की होगी, वो आपने करके दिखाया कोशिश की है, लेकिन और तमाम चीजें हैं, अब क्या मैनिफेस्टो में रहेगा, किस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाने की तैयारी है? देखिए मैनिफेस्टो तो अभी तैयार नहीं हुआ, मैनिफेस्टो तो वहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री और वो सब जो लोग तैयार करेंगे, लेकिन हाँ जो कहा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 36,000 करोड़ माफ किया और जिससे 87 लाख परिवार प्रभावित हुए, उनको फायदा हुआ। साथ ही कहा था न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तो जितने गुंडे थे उन सबको खात्मा कर दिया गया, और जितने भू माफिया थे या तो वो जेल के अंदर है और उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई है, और सबसे बड़ा तो बहन बेटियों की इज्जत का जहां तक सवाल था, आज कोई चिंतित नहीं होता मैं किसी की बहन बेटी स्कूल जा रही है कि पहले चिंता रहती थी शाम को लौटेगी नहीं लौटेगी, इस तरह की घटनाएं होती थी। और इसी कारण से क्योंकि पूरे प्रदेश भर में गुंडा राज। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।